कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पटवार संघ उपशाखा अजमेर पर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए राजस्व मंडल अध्यक्ष, राजस्व सचिव को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। संघ के अध्यक्ष विजय कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में 60% से अधिक पटवारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद सरकार या मंडल कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता, जिससे पटवारियों में भारी रोष व्याप्त है। बुधवार को पटवारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पटवारियों को फसल कटाई प्रयोग से मुक्त किया जाए। पटवारियों की ग्रेड पे 3600 रुपए करने और 4400 रिक्त पदों के अलावा 1 अप्रैल 2015 से 30 मार्च 2018 तक रिक्त पद होने वाले समस्त पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए सहित अन्य मांगों के निराकरण को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। 50% से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। पटवारियों के पास कार्य की काफी अधिकता है। उन्हें कृषि गन्ना प्रयोग करने को दिए जा रहे हैं, जो कि कार्य कृषि पर्यवेक्षक का और माननीय गिरदावर महोदय का है, लेकिन काफी कार्यों में व्यस्तता होने के बाद भी पटवारियों को इस तरह का कार्य दिया जा रहा है, जिसका पटवार संघ पुरजोर विरोध करता है। इसके संबंध में समय समय पर सरकार को हमने कई ज्ञापन दिए, लेकिन इस पर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अतः समस्त राजस्थान के पटवारी आज दिनांक 7 दिसंबर 2016 को सामूहिक अवकाश पर रहकर अपनी मांगों को राजस्थान सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ अजमेर संभाग की राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को हाथीभाटा स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पर भुवनेश्वर प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर अपनी उपलब्धियां जनता के समक्ष गिनाने के लिए प्रत्येक जिले में जा रही है। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों और किए गए झूठे वादे विद्युत, जलदाय, रोडवेज को निजी हाथों में सौंपने के गलत निर्णयों का कड़ा विरोध किया जाएगा। जहाँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित होंगे वहाँ भारतीय मजदूर संघ विरोध प्रदर्शन करेगा। इसी क्रम में आज की बैठक में श्रमिकों की समस्या व निजीकरण को रोकने हेतु आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य सरकार की वर्तमान नीतियां श्रमिक विरोधी हैं। तीन बड़े संस्थान जो राज्य सरकार के हैं, सरकार उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने में लगी हुई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। नियमित नियुक्तियां लगभग बंद हो गई हैं। सारे कामकाज ठेके पे होने लगे हैं। इसके विरोध में हमने वो प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक भी सरकार ने भारतीय मजदूर संघ को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। अब भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि सरकार जो अपने 3 वर्ष के कार्यक्रमों का जो उत्सव मनाएगी, भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करेगा। विरोध का स्वरूप क्या होगा, कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, इसकी चर्चा करने के लिए आज यहाँ अजमेर संभाग की बैठक रखी गई है। ऐसी बैठकें सभी संभागों पे हो रही हैं और संभाग स्तर पर इन कार्यक्रमों का भारतीय मजदूर संघ विरोध करेगा।